नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा, तो इस समय हम लोग ऐज़ बाग में राम जानकी मंदिर में है, जहां पर ओम जगदीश सेवा समिति के द्वारा यहां पे हो रहा है सामूहिक विवाह हो रहा है। 6 वर वधु हैं जिनका यहाँ पर आज विवाह हो रहा है 29 फरवरी के दिन पर। तो बहुत सी संस्थाएँ यहाँ पर आई हुई हैं जिन्होंने कन्याओं का दान करने के लिए और कन्याओं के अच्छे भविष्य के लिए यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार जो है यहाँ पे उपहार भी दिया है और अपनी क्षमता के अनुसार जो भी हो सके उनके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। तो हमारे साथ में जय श्री प्रिया गुप्ता जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। ये ओम जगदीश सेवा संस्था के द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिससे हमारी जो संस्था है हिंदू महिला सेवा समिति, उसके द्वारा 9 वधु और कन्या को गिफ्ट स्वरूप दिया गया और उनका सहयोग किया गया और आशीर्वाद भी दिया गया। आयुषी जी, आप क्या कहेंगी जिस तरह से आप भी जो हैं एक हिंदू महिला मंडल सेवा समिति उसकी अध्यक्ष हैं, तो नवविवाहित के लिए क्या क्या उपहार दिए गए और किस तरह से आज का आयोजन करेंगे? देखिए, धन्यवाद आपका सवाल पूछने के लिए। यहाँ पे हम लोग ने हमसे जितना हो पाए उतना किया। साड़ी दी गई है, डिनर सेट दिया गया है और वर के लिए कपड़े दिए गए। हमारी समिति ने मिलकर जितना हमसे हो पाए उतना किया और समिति के लोगों ने जो उनसे पन किया उन्होंने वो किया। हम जितनी सेवा कर सकते हैं हमने उतना अपना योगदान दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एक बहुत सुनहरा अवसर है और ऐसी बहुत सारी ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिनको बहुत सारी चीज़ें हमारी तरफ महिला सेवा समिति के द्वारा साड़ी दिया गया और पूरे राजा लोगों के लिए भी पैंट शर्ट और डिनर शर्ट की व्यवस्था कर दी गई और बहुत ही अच्छा लगा। हमारे राजा गुप्ता भैया हैं, वो हिंदू समाज है, महिला की समस्या हम लोग आए हुए हैं और ओम सहयोग समिति में अर्चना जी और मीनू तिवारी जी ने मिलकर शादी का समारोह सामूहिक शादी का कार्यक्रम रखा हुआ है। हम लोग को बहुत ही अच्छा और हम लोगों ने साड़ी और सूट डिनर शर्ट दे के लोगों को आशीर्वाद दिया और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। एक्चुअल मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन जितना भी सौभाग्य मुझे मिला बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने पे और अच्छा भी लग रहा है कि जिस तरह भी पार्टिसिपेट किया जाए और लोगों को भी अच्छा लगेगा, जैसे कि हम जितना डोनेशन कर सकते हैं अपनी तरफ से किया जाए जैसे बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा शब्द मैम ने कहा कि जितना हो सके उतना करना चाहिए। तो हमारे साथ में वैश्य समाज सेवा उत्तर प्रदेश और हिंदू महिला मंडल सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। आज ओम जगदीश सेवा समिति के द्वारा आज 6 कन्या और वर की शादी का शुभ अवसर पर हिंदू महिला सेवा समिति की ओर से यहाँ पर हम लोगों ने सोचा। हर जगह तो हम लोग समय समय पर दान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं सामाजिक, तो हमने सोचा क्यों ना आज इस मौके पर यहाँ पर सामग्री वगैरह बांटे और साथ में आशीर्वाद भी दिया हम लोगों ने। ये थे हमारे साथ में राजेंद्र गुप्ता जी। यहाँ पे और भी संस्थाएं हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। आज जिस तरह से ओम जगदीश सेवा समिति के द्वारा 6 कन्याओं का विवाह करा जा रहा है, सामूहिक विवाह हो रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे और सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर उनको कैसा लग रहा है? तो बहुत सी संस्थाओं ने आज इस सामूहिक विवाह में जो अपना योगदान दिया है, तो हमारे साथ समाज सेविका ज्योति गुप्ता भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे सामूहिक विवाह को लेकर। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्चना जी, आपने और हम सब ने मिलकर सहयोग में इतनी अच्छी शादी करी है,
भगवान का आशीर्वाद है और ऐसे भी करते रहे आगे, यही उम्मीद है। आज आपकी संस्था के द्वारा क्या क्या योगदान? यहाँ पे हमने खाने का अरेंजमेंट देखा है और थोड़ा बहुत ये जो कन्या इनके मेकअप का अरेंजमेंट किया था हम लोगों ने, सबने सहयोग किया, अनीता जी, डॉक्टर विमल, एडवोकेट अंजू दीदी, कई लोगों ने मिलके किया, ममता सक्सेना, वो हम सब, वो जानकीपुरम से आई थी और हम सब ने मिलके सहयोग किया। नमस्ते, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सौभाग्य मिला, क्या पहली बार मैं कहते सामूहिक विवाह में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है और सही में मुझे खुशी हुई, आज आशीर्वाद दिया मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। छह कन्याओं का यानी कि छह जोड़ों का आज विवाह हो रहा है, तो क्या कहना? बहुत अच्छा लगा और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे सबके विवाह कराना चाहिए। और भी कुछ संस्था वाले यहाँ पे जिनके सहयोग से छह कन्याओं का विवाह हो रहा है, एक समूह के रूप में हो रहा है, कहते नहीं है कन्यादान महादान, तो इस महादान में बहुत से लोग लखनऊ वाले सम्मिलित हो रहे हैं, तो और भी कौन कौन संस्था यहाँ मिलकर के अपना योगदान दे रहे हैं, वर वधु का जो विवाह हो रहा है उनके जो सुनहरे भविष्य के लिए क्या आशीर्वाद दे रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। कहते हैं कोई भी कार्यक्रम हो उसमें मुख्य सहयोगी की बहुत बड़ी भूमिका होती है कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, तो आज छह कन्याओं का जो विवाह हुआ और काफी अच्छे ढंग से इसकी पूरी जो है व्यवस्था करी गई है, तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा योगदान यहाँ पे दिया, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? आप सभी को ओम साई राम, मैं साई एना, और जो अर्चना मिश्रा दी और मीनू तिवारी दी जो भी कर रहे हैं और वो आज से नहीं शायद 2014 से करते आ रहे हैं और 10 साल होगा, और ये इतना आसान नहीं है क्योंकि ये आज ये विवाह संपन्न होगा और विदाई होगी और इसके कुछ ही समय बाद महीना डेढ़ महीना वो आराम करके और फिर वो आगे की तैयारी के लिए वो जुट जाती हैं, क्योंकि वो एक दिन का ये काम नहीं है, और इसके लिए हम सब और विशेष रूप से हमारे बाबा उनको बहुत बहुत मदद करते हैं, और शायद हमारे ख्याल से दी को हर रुकावट से जो भी आने वाली होती है वो आने से पहले उसको रोक देते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि दी जैसा आज कर रहे हैं वो छोटे लेवल पे है, धीरे धीरे इसका लेवल बड़ा हो जाए, और जो उनके पास कम सहयोगी है, क्योंकि इसके लिए बहुत सहयोग की, तन की भी, मन की, और विशेष रूप से कहना गलत नहीं होगा धन की भी बहुत ज़रूरत होती, क्योंकि जो कन्याएँ हैं वो कन्याई है, उनको हम निर्धन नहीं कहते क्योंकि कोई भी कन्या निर्धन नहीं होती है, कन्या अपने आप में ही जो है धन होती है, तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि जो आज उनको जो भी मिल रहा है फ्यूचर में दी को इतना लोग दे सहयोग करें कि वो इससे अच्छा उनको दे पाएँ और इससे अच्छा विवाह कर पाएँ और इसी मंदिर में ही कर पाएँ, तो हम तो यही कहेंगे कि दी का जो है विशेष योगदान जो वो करती हैं तो उसमें कहना नहीं चाहिए कि बहुत बहुत मेहनत लगती है। बहुत अच्छी बात कही मैम ने, क्योंकि जो कि विशेष योगदान होता है वो होता है तन मन धन का होता है, तो अगर तीनों का तन मन धन का सहयोग अगर सबसे मिल जाए तो ये जो कन्या आज छह कन्याओं का विवाह हुआ, कल 60 का होगा, कल 600 का होगा, कल परसों 6000 का होगा, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं राम जानकी मंदिर में ओम सेवा समिति द्वारा आज कन्याओं का जो है सामूहिक विवाह हो रहा है, तो हमारे साथ में अध्यक्ष अर्चना मिश्रा जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे ये कार्य वो कब से कर रही हैं और जिस तरह कहा जाता है कन्यादान महादान, तो कितने सालों से उनकी संस्था ये कार्य कर रही है और आज कितनी कन्याओं का विवाह उनकी संस्था के द्वारा हो रहा है, तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं अर्चना मिश्रा ओम जगदीश साई समिति की अध्यक्ष हूँ। मैं हर साल 2014 से 7 कन्या 5 कन्या, संकल्प मेरा 5 का है, 7 हो जाए 8 हो जाए तो कन्याओं का विवाह कराती हूँ बाबा की कृपा से और सारे समाज के सहयोग से और आप लोगों के आशीर्वाद से सबका सहयोग मिलता है हमको। आज कितनी कन्याओं का विवाह? आज हमारे यहाँ 6 कन्याओं का विवाह है और 6 कन्याओं में कुछ ऐसी हैं, एक तो है लड़की राजस्थान जा रही है जिसके माँ बाप नहीं है, उनकी शादी हम ही लोग समझ लिए कर रहे हैं, जो घर का भी राशन पानी है उनका भी भरवाया है पूरा, और एक कन्या जो है वो उसके पिताजी के अभी 2 महीने पहले डेथ हो गई है उसका भी हम लोग करा रहे हैं, तो हाँ। तो ऐसे लोग जब देश में रहते हैं और लखनऊ में रहते हैं तो किसी भी कन्या के घर को ये नहीं सोचना चाहिए कि उनकी कन्या उनके ऊपर जो है भार है, ऐसी कन्याओं का लोग दान करने के लिए आगे से आगे आते हैं, तो कन्याओं के घर का जो मनोबल भी बढ़ता है और उनकी एक जो भार होता है वो भी कम होता है, और क्या कह रही मैम?
हम ये कह रहे हैं, हम जो भी लड़कियां जिनको लगे कि हमारे पास भारी हैं वो हमारे पास हम भेज दें, उनकी पढ़ाई लिखाई कर कन्यादान का बाबा जितना हमारे सामर्थ्य होगा हम जरूर करेंगे उसका सहयोग। अगर कोई लड़की पढ़ना चाहती हो आगे तो ना पढ़ पा रही हो, जैसे किसी के 3-4 कन्याएं हैं ना पढ़ा पा रहे हो, तो हमारे पास भेजें, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो उनकी पढ़ाई का अरेंजमेंट करवा देंगे। तो ये तो अर्चना जी की विचारधारा है कि वो कन्याओं को बोझ नहीं समझ रही है, कन्याओं को इतना आत्मनिर्भर बना रही है, उनकी संस्था के द्वारा कन्याओं का विवाह भी हो रहा है। तो हमारे साथ में महामंत्री जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या कहेंगी और इस कार्यक्रम की योजना कब से बनी हुई थी। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं मीनू तिवारी ओम जगदीश सेवा समिति की मैं महामंत्री हूँ और इस संस्था से मैं जब से ये संस्था बनी है तब से मैं इससे जुड़ी हुई हूँ और जो भी हमसे होता है और अध्यक्षा जी का हम सहयोग करते हैं तन से मन से और धन से जो भी हमसे बन पड़ता है। तो आज जैसे 6 कन्याओं का विवाह हुआ, पहले आप लोगों ने 7 कन्याओं का विवाह किया था, उसके पहले 5 कन्याओं का विवाह, तो ये जो अभी साल है आपका 2024 है और आज 29 फरवरी है, तो इस विवाह के कार्यक्रम की तैयारी कितने दिन से पहले से? इसको तो ये समझ लीजिए थकान उतरते ही हम लोग सोचने लगते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर कैसे करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों के पास में कोई बड़ा सहयोग नहीं है और हम दोनों लोग ही मध्यम परिवार से हैं, कोई ऐसे जिस फैमिली से नहीं है कि बहुत हम लोग अपने आप से कर पाएँ, तो ताना बाना इसका बुनना हम लोग यहाँ की थकान ख़त्म होने के बाद ही शुरू कर देते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर करेंगे तो कैसे कर पाएंगे, क्या क्या सामान रहेगा, कैसे हम मैनेज करेंगे, किससे हम सहयोग लेंगे। बहुत लोग सहयोग करते भी हैं लेकिन आप समझ सकते सहयोग के माने सहयोग ही होता है, वो असली सहयोग का जो अर्थ होता है वही हम लोगों को मिल पाता है। एक होता है कोऑपरेट करना, वो नहीं मिल कोऑपरेशन में बड़ी है ना कि कोऑपरेशन में क्या होता है कि बड़ा सहयोग हो जाता है, वैसा नहीं है। इसलिए हम लोग जितना भी अपने जितना हम लोग सक्षम हैं और जितना मध्य से अधिक कर सकते हैं उतना हम लड़कियों के लिए करते हैं और लड़कों के लिए भी कुछ ना कुछ रखते हैं। आज जो शादी हुई है तो लखनऊ के ही लड़का लड़की की हुई है कि अन्य जिलों से या राज्य से? नहीं, बाहर से भी आ जाते हैं और कोई उसमें हमारी बाउंडेशन नहीं है कि केवल लखनऊ क्षेत्र के ही हों, कहीं से भी हों, हम सबके लिए काम करते हैं। जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये ओम जगदीश सेवा समिति के द्वारा बच्चियों के लिए उनके पूरे गृहस्थ के जो आगे बढ़ाने गृहस्थी को आगे बढ़ाने के लिए सामान का व्यवस्था किया गया है, बेड भी है, अटैची भी है, सारी चीज़ें हैं। तो जिस तरह से अर्चना जी और मीनू जी मिल करके सारा कार्यक्रम कर रहे हैं, पैर आपका जो पैर पूजने के लिए बिछिया तक भी उनकी संस्था के द्वारा दी गई है, तो कुछ लोग और हैं जिनके लड़कियों की या लड़कों की शादी हो तो उनसे पूछेंगे, तो कैसा लग रहा है? हमें दीदी बहुत अच्छा लग रहा है। लड़की आई है कि लड़का? नहीं, हमारी लड़की है। लड़की है। तो कितने सालों से आप सोच रही शादी करने के लिए? दीदी हम तो सोच रहे हैं 2 साल से कि कहीं हो नहीं पा रहा था व्यवस्था, तो क्या करें। कैसा लगा आज यहाँ व्यवस्था? हमें यहाँ दीदी यहाँ बहुत अच्छा लगा, आप सबसे मिलके हमके बहुत अच्छा लग रहा। आप कहाँ से आई हैं? हम मथुरा से आए। आपकी लड़की की शादी की लड़की? हम दोनों पक्ष में, मेरी सही फ्रेंड है और मेरा भाई भी है जेठानी का। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। हम भी आगरे बच्चे हैं। लड़की के लिए शादी की व्यवस्था? हम तो काफी टाइम से व्यवस्था में लगे हुए थे पर यहाँ का आके पता चला कि यहाँ के ये संस्था का जो सिस्टम है इसके बारे में हमें पता लगा, तो यहाँ से फिर अरेंज किया सारा सिस्टम। जिस तरह से यहाँ पे लखनऊ के तो लोग हैं, ये बाहर के भी लोग यहाँ पे वर वधु पक्ष के लोग आए हुए हैं जो कि ओम जगदीश सेवा समिति से जुड़ करके उन्होंने वर पक्ष और वधु पक्ष मिल करके यहाँ पे जो है 6 कन्याओं का आज विवाह हुआ और साथ में कन्यादान भी किया गया। साथ में यहाँ पे आए हुए लोगों से हमने बात करी जिन्होंने बताया कि यहाँ की सारी व्यवस्था अच्छी है और यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बहुत ही सुनिश्चित ढंग से किए जाते हैं। तो ऐसे हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।